रूसी हमले से यूक्रेन में मचा हाहाकार, अब तक करीब 200 लोगों की मौत, हजार से ज्यादा लोग घायल हुए। यूक्रेन पर रूसी हमले का आज तीसरा दिन है। राजधानी कीव में रूस यूक्रेन आए आमने सामने, सड़कों पर संघर्ष जारी। यूक्रेन पर रूस की ताबड़तोड़ बमबारी जारी है। राजधानी कीव के कई इलाकों पर रूसी सेना का कब्जा है। बेलारूस के सीमावर्ती शहरों से रूसी सेना का यूक्रेन पर हमला, यूक्रेन पर रॉकेट से ताबड़तोड़ हमला। रूस के मिसाइल अटैक का एक और वीडियो आया सामने। बेलगोरोड से यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में रूसी सेना का हमला। बेलारूस से लगते बॉर्डर इलाके पर ताबड़तोड़ मिसाइल से हमला। यूक्रेन के तेल डिपो पर रूसी सैनिकों ने किया हमला, ऑयल डिपो को तबाह कर दिया। यूक्रेन के खेरसन इलाके में तबाही का मंजर, रशियन फौज ने पूरे इलाके को तबाह किया। यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए रूस से झुकी ताकत, होविट्जर तोपों के साथ रूसी सैनिक तैनात। खार्किव में यूक्रेनियन और रूसी सैनिकों के बीच में भीषण जंग, खार्किव में रूसी सेना की बड़ी टुकड़ी मौजूद। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों पर हवाई हमले की बौछार हुई है, सैन्य ठिकानों को किया तहस नहस। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों से हमला, रूसी सेना के मुताबिक लंबी दूरी की कैलिब्र क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया। जंग के बीच में ब्लैक सी में रूसी फौज ने मचाई भीषण तबाही, मिसाइल से दो जहाजों को निशाना बनाया। ब्लैक सी में मिसाइल हमले में तबाह हुए दोनों जहाज यूक्रेन के बंदरगाह से कुछ ही माइल्स की दूरी पर भारी तबाही मची है। यूक्रेन के ब्रॉडी शहर में रशियन सेना पर हमला हुआ है, ब्रॉडी के पास रशियन हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया। मिसाइल अटैक से रूसी हेलीकॉप्टर जलकर खाक हो गया, कुछ रशियन सैनिक बचाए गए। यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए भीषण जंग जारी, यूक्रेन के जाम्पोरोजे में रूसी सशस्त्र बलों का बड़ा काफिला देखा गया। राजधानी कीव की ओर तेजी से बढ़ रहा है सशस्त्र बलों का काफिला, यूक्रेन में पिछले 3 दिनों से रूस कर रहा है हमला। यूक्रेन के जोपोरोजे में एक शूटर ने शेल्टर में नागरिकों पर गोलियां चलाई हैं और शूटर की तलाश में जुटे हैं लोग। यूक्रेन से जंग के बीच में रूसी सेना के TOS-1 भारी पड़े हैं और फ्लेम थ्रोवर तैनात किया गया है जो रॉकेट को भी मार के रखता है। जंग के बीच में यूक्रेन की बॉर्डर पर अमेरिका की हलचल तेज हुई, यूक्रेन के आसमान में दिखे 3 अमेरिकी विमान। पश्चिमी यूक्रेन के जॉयटोमीर में भी रूसी सेना का हमला जारी है, यूक्रेन के विमान को तबाह किया। यूक्रेन के खार्कोव में लगातार बिगड़ रहे हैं हालात, हर तरफ तबाही का मंजर है, लूटपाट से जुड़ी तस्वीरें भी आ रही हैं अब सामने। यूक्रेन में रूसी टैंक को रोकने के लिए सड़क पर उतरे लोग, रूसी फौज पर जवाबी हमले की तैयारी। यूक्रेन के कई इलाकों में रूस का ताबड़तोड़ हमला जारी है, ज़ापोरिज्या और पोल्टावा में रूसी सेना कर रही है गोलीबारी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा पिछली रात जिंदा बच गए, हम अब भी दुश्मन से लड़ रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा है कि उम्मीद है EU हमारा साथ देगा, नया इतिहास लिखा जा रहा है, अपनी आजादी और यूरोप के भविष्य के लिए हम लड़ रहे हैं। युद्ध के बीच में रूसी मीडिया का बहुत बड़ा दावा, कीव से भागे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, कहा। रूसी मीडिया ने किया जेलेंस्की के यूक्रेन से दूसरे देश भागने का दावा, तो यूक्रेन ने रूसी मीडिया के दावों को बताया झूठा। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के मेलिटोपोल शहर पर कब्जे में ले लिया है इसे, पुलिस स्टेशन पर लहराया रूसी झंडा। यूक्रेन के कीव में जुलियानी एयरपोर्ट के पास धमाका हुआ है, कीव के दक्षिण पश्चिम इलाके में 2 मिसाइलें दागी गई। यूक्रेन में तेज हुई जंग, कीव एयरपोर्ट के पास रूस ने किया बड़ा धमाका, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। कीव में ऊंची इमारतों पर रूस का मिसाइल अटैक, धमाके से कई हाई राइज इमारतों को नुकसान पहुंचा है। रूस के मिसाइल अटैक में कई रिहायशी इमारतों को बड़ा नुकसान हुआ, पूरी गली में धूल और मलबे का गुबार छाया। कीव में बिल्डिंग पर हुए हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, मिसाइल अटैक के बाद हुआ जोरदार धमाका। राजधानी कीव में बिल्डिंग पर हुए हमले में कई लोग घायल हुए, रेस्क्यू टीम ने घायलों को बिल्डिंग से बाहर निकाला। कीव में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाने पर भड़का यूक्रेन, दुनिया से रूस को अलग थलग करने की मांग, कहा रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाए जाए। यूक्रेन की राजधानी कीव में जोरदार धमाका, शहर के बीचों बीच दिखा धुएं का गुब्बार। कीव एयरपोर्ट के पास रॉकेट से हमले की खबर है, रूसी हवाई हमलों से थर्राया कीव, कई इमारतों को पहुंचा नुकसान।
यूक्रेन के कीव में भारी बमबारी के बीच में बेसमेंट में पनाह लेने को मजबूर हैं लोग। बड़ों से लेकर बच्चों के चेहरों पर मायूसी छाई। रूसी हमले से यूक्रेन के सरकारी तंत्र में हड़कंप। कीव में वॉलंटियर्स को दी गई 18,000 मशीन गन। आम लोगों से हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की अपील। खार्किव के उत्तर पश्चिम इलाके सुमी में जंग। रूसी सेना के खिलाफ यूक्रेन की सेना का मोर्चा। रूस के कुछ सैनिकों ने किया आत्मसमर्पण। जंग के मैदान में तब्दील हुआ यूक्रेन का लुहांस्क शहर। यूक्रेन में लुहांस्क शहर के बीचों बीच तैनात की है तोप। रूसी हमलों का जवाब दे रही है यूक्रेनियन तोप। उत्तर कीव में रूसी वायुसेना का जोरदार हमला। हेलीकॉप्टर से दागे गोला बारूद। हमले में कई इमारतों को भारी नुकसान। ब्लैक सी में रूस का मिसाइल अटैक। जापान के मालवाहक जहाज को किया तबाह। जापानी जहाज में लगी आग। रूसी हमले के बीच में यूक्रेनी सेना का बड़ा दावा। रूस के फाइटर विमान को मार गिराने का दावा। फाइटर विमान को मार गिराने का वीडियो वायरल। यूक्रेन की राजधानी कीव में हमले के बाद से दिल दहलाने वाली तस्वीरें। यूक्रेन ने रूस की मिसाइलों को किया तबाह। यूक्रेनी सेना ने कीव में कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। रूस की मदद के आरोप में संदिग्धों को पकड़ा गया है। यूक्रेन में रूसी सेना अलग अलग जगहों पर कर रही है कब्जा। यूक्रेन के सरकारी ऑफिस पर रूसी सेना लगा रही है अपने झंडे। उत्तर यूक्रेन के बखमच शहर में भी रूसी सेना का हमला जारी है। यूक्रेन का स्थानीय निवासी खुद टैंक के सामने आए टैंक रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जंग के बीच एक डॉगी की वफादारी। यूक्रेनियन सेना के पोस्ट की रखवाली कर रहा है रैम्बो। कीव में हर तरफ तबाही का मंजर है। रूसी हमले के बाद तबाह हुआ कीव शहर। पूरे शहर में पसरा सन्नाटा। कीव के मेयर ने लगाया सख्त कर्फ्यू। यूक्रेन की राजधानी कीव में जगह जगह से उठ रहे हैं धुआं। हर तरफ नजर आ रहा है तबाही का मंजर। कीव की सड़कों पर रूसी सेना का मार्च लगातार जारी है। युद्ध के बीच में कीव में हालात बेहद खराब। यूक्रेन की राजधानी कीव की कई ऐतिहासिक इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। गाड़ियों से लेकर घरों को पहुंच रहा है नुकसान। जंग के बीच में यूक्रेन से 219 भारतीयों के वतन वापसी। लैंडिंग के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर लगाए जय हिंद के नारे। यूक्रेन में फंसे भारतीयों का यह पहला दल है जिन्हें वहां से निकाल लिया गया है। एयर इंडिया के विमान ने रोमानिया से भरी थी उड़ान। यूक्रेन के भारतीयों की वतन वापसी को लेकर के पहला कदम। भारत सरकार ने इसे ऑपरेशन गंगा का दिया नाम। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से की बात। रूस से जंग के बीच मांगी मदद। जेलेंस्की ने पीएम मोदी से राजनीतिक समर्थन की अपील की है। सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ मांगा समर्थन। रूस ने भारत के कदम की सराहना की है। रूस के खिलाफ प्रस्ताव पर भारत ने नहीं किया वोट। यूएनएससी में भारत के कदम की रूस ने तारीफ की। दिल्ली में यूक्रेन दूतावास के बाहर जुटे लोग। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध खत्म होने की कामना। लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। भारत में पोलैंड के राजदूत दिल्ली में यूक्रेन के दूतावास पहुंचे हैं। रूसी हमले के दौरान मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। जंग के बीच में यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया अमेरिका। सैन्य सहायता के लिए 26 अरब रुपए देगा अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का विदेश मंत्री एंटनी को लेकर निर्देश। विदेशी सहायता अधिनियम के तहत जारी की जाए मदद। यूक्रेन की रक्षा को मद्देनजर रखते हुए दी जाएगी सहायता राशि। भारी संकट के बीच में यूक्रेन को अमेरिकी मदद। राष्ट्रपति जेलेंस्की को यूक्रेन से सुरक्षित निकालने के लिए अमेरिका तैयार है। जेलेंस्की ने कीव छोड़कर जाने से इनकार कर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्ध के बीच जारी किया वीडियो मैसेज। कहा रूस के सामने हम नहीं डालेंगे हथियार। झूठ पर ध्यान न दें आप सभी। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा हम यूक्रेन की रक्षा करेंगे। मैं राजधानी कीव छोड़कर नहीं जा रहा हूं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने संभाली सैन्य कमान। सेना के कमांडरों को अब सीधे निर्देश दे रहे हैं जेलेंस्की। सेना ने सीधे संपर्क किया है जेलेंस्की से। राजधानी कीव में स्थित सैन्य कमांडर सेंटर में मौजूद है जेलेंस्की। जंग के बीच में यूक्रेन की महिला सांसद ने उठाई AK-47। रूस के खिलाफ महिला सांसद ने उठाई बंदूक। रूस के खिलाफ महिला सांसद कायरा रुडिक ने उठाई AK-47। कहा अपनी जमीन की हिफाजत करेंगे। दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ा। यूक्रेन के साथ आए दुनिया के 28 देश। सभी देश यूक्रेन को देंगे जंगी हथियार। नाटो देशों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की है। बैठक में राजधानी कीव पर रूस के मिसाइल अटैक पर चर्चा की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों का बयान। कहा यूक्रेन में लंबे युद्ध के लिए तैयार रहे दुनिया।
रूस यूक्रेन जंग के बीच में रूस से लड़ने के लिए बाइडेन का प्लान तैयार है। यूक्रेन को तुरंत सैन्य मदद देने को अमेरिका तैयार हुआ। अमेरिका का बड़ा एक्शन, रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर लगाया आर्थिक प्रतिबंध, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और आर्मी चीफ पर भी पाबंदी। राष्ट्रपति जेलेंस्की के प्रमुख सलाहकार का बयान, कहा पूरे यूक्रेन में हालात नियंत्रण में, यूक्रेन में सिर्फ रूस की लैंडिंग फोर्स। यूक्रेन ने किया दावा, युद्ध में 3,500 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए, 200 से ज्यादा रूसी सैनिक बंदी बनाए गए। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस की एयर असॉल्ट ब्रिगेड के 2 सैनिकों को बंधक बनाया, तस्वीरें भी जारी की। जंग के बीच में यूक्रेन की सरकार का दावा, रूस के साथ युद्ध में अब 137 यूक्रेनी नागरिकों की मौत हो चुकी है, 169 घायल हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा का रूस पर बड़ा आरोप, ट्वीट करके कहा रूस यूक्रेन को बदनाम करने की साजिश रच रहा है। रूस के साथ खुलकर सामने आया चीन, चीन के विदेश मंत्रालय ने तस्वीरें ट्वीट की है, इसमें उन युद्ध का जिक्र है जिसमें अमेरिका शामिल रहा और लिखा इतिहास नहीं भूलते। खेरसोन में फिर से लहराया यूक्रेन का झंडा, खेरसोन में रशियन फ्लैग को यूक्रेन के सुरक्षा बलों ने उतारा। यूक्रेन में रूसी सेना की मौजूदगी के बीच दहशत का माहौल है, अब तक 1,00,000 से ज्यादा लोगों का यूक्रेन से पलायन हुआ। रोमानिया बॉर्डर पर जमा हुए लोगों का हुजूम, यूक्रेन से पलायन करने वालों की भीड़ देखी गई, बॉर्डर पर जरूरत का सामान खरीदते भी दिखे लोग। पोलैंड बॉर्डर पर दिखी लोगों की बेबसी, छोटे छोटे बच्चों के साथ बॉर्डर पर लगी लोगों की भीड़। यूक्रेन के गोस्ते मेल में रूस यूक्रेन के बीच में जबरदस्त जंग, रूसी लड़ाकू हेलीकॉप्टर की बमबारी जारी है। यूक्रेन के चेर्निगोव शहर में रूस का बड़ा हमला, यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस की इमारत पर हमला किया, हमले में सिक्योरिटी सर्विस की इमारत जली। यूक्रेन के खेरसोन में भीषण जंग की आहट, रूसी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों का बेड़ा खेरसोन के लिए रवाना। यूक्रेन के नोवा कखोवका शहर में सोवियत यूनियन के झंडे के साथ दिखा रूसी टैंक, झंडे वाले टैंक के पीछे बाकी टैंक मार्च करते हुए दिखाई दिए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी कब्जे की जंग और तेज हुई है, कीव सिटी के अंदर यूक्रेनी और रूसी सेना के बीच में भीषण जंग। यूक्रेन के मेलिटोपोल में रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच में भीषण संघर्ष, दोनों तरफ से लगातार फायरिंग। मेलिटोपोल में दोनों तरफ से सड़कों पर फायरिंग हुई है, गोलीबारी की आवाज से गूंजी शहर की गलियां। यूक्रेन के खार्किव में रूसी बमबारी में खाक हुआ ट्रैक्टर प्लांट, आसपास की इमारतें भी इसकी जद में आई। यूक्रेन के तेल डिपो पर रूस का हवाई हमला, राजधानी कीव के दक्षिण में स्थित ईंधन डिपो को किया तबाह, रूस के सरकारी चैनल ने जारी किया वीडियो। रूस ने यूक्रेन के मिलिट्री बेस पर किया मिसाइल से हमला, लवोव और कीव शहर के बीच में स्थित मिलिट्री बेस को उड़ा दिया। रूस ने यूक्रेन में बैलिस्टिक मिसाइल से किया जोरदार अटैक, कई इमारतों को पहुंचाया इससे नुकसान। रूसी सेना ने सैन्य उपकरणों के साथ जवानों को यूक्रेन किया रवाना, यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए भेजी टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और मिसाइलें। रूस को रोकने के लिए यूक्रेनी सेना ने पुल को ध्वस्त कर दिया, ओडेसा और निकोलाइव को जोड़ने वाले पुल को उड़ाया गया। रूसी सेना से देश की रक्षा के लिए यूक्रेन के नागरिकों ने उठाई बंदूकें, असॉल्ट राइफलों के साथ कीव में आम लोगों ने की गश्त। यूक्रेन के खेरसोन में गैस स्टेशन पर रूस का हमला, गैस स्टेशन में हुआ जोरदार धमाका, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रूस ने यूक्रेन के 14 मिलिट्री एयरफील्ड और 19 कमांड पोस्ट ध्वस्त कर दिए हैं, 24 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को भी तबाह किया। रूस का दावा, यूक्रेन के 7 एयरक्राफ्ट, 7 हेलीकॉप्टर, 9 यूएवी मार गिराए हैं, 87 टैंक, 28 रॉकेट लॉन्चर तबाह किया, यूक्रेन सेना की 118 गाड़ियां ध्वस्त की। रूस पर यूक्रेन आर्मी का बड़ा पलटवार, सूमी के कोनोटॉप में यूक्रेन ने रूस के 2 टैंक उड़ा दिए। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ, रूस ने तबाह किए यूक्रेनियन के मिसाइल सिस्टम को, रशियन MI-24 का मिसाइल सिस्टम पर हमला किया। रूस ने यूक्रेन के मिसाइल सिस्टम से जुड़े ट्रकों को उड़ा दिया, हमले के बाद काले धुएं के गुब्बार से भर गया आसमान। रशियन हमलों से बचाव के लिए घरों से भाग रहे हैं यूक्रेनियन, हमले से बचने के लिए शेल्टर में छुप रहे हैं लोग। बेलारूस के रास्ते यूक्रेन में घुस रही रूसी सेना, भारी मात्रा में सैन्य उपकरण के साथ यूक्रेन की सीमा में दाखिल हुए रूसी आर्मी के जवान। रूस की कीव पर एयर स्ट्राइक, युद्धपोत और फाइटर जेट से दागे जा रहे हैं गोले बारूद, बमबारी से पूरे शहर में कोहराम। रूसी हमलों से कीव में अफरा तफरी का माहौल है, जान बचाने के लिए चर्च में शरण ले रहे हैं लोग, कैथोलिक चर्च ने दी शरण। रूसी सेना को रोकने के लिए राजधानी कीव की सड़कों पर यूक्रेनी सेना के टैंक ने गश्त बढ़ा दिए, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपखाने भी तैनात। यूक्रेन के ओडेसा में
रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सैनिकों ने ओदेसा शहर पर हमला किया। यूक्रेन पर दबाव बनाने के लिए रूस का प्रोपेगेंडा, रूसी नेवी ने युद्ध अभ्यास का वीडियो जारी किया। यूक्रेन से निकलने के लिए मारामारी, यूक्रेन बॉर्डर पर लगी 6.5 किलोमीटर लंबी कतार, रोमानिया बॉर्डर पर लोगों की भारी भीड़। यूक्रेन के चेर्निव में घुसे रूसी सैनिक, स्थानीय लोगों ने सैनिकों को रोका, भूखे रूसी सैनिक स्थानीय लोगों से मांग रहे हैं खाना। यूक्रेनी महिला सांसद कायरा रूडिक की 147 के साथ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, कहा अपनी इंच इंच जमीन की करेंगी रक्षा। यूक्रेन के पूर्व सांसद ने पहली सेना की वर्दी, यूक्रेनी जनता से रूस के खिलाफ उतरने की अपील की, कहा देश की रक्षा के लिए सेना के साथ एकजुट हो। रूस यूक्रेन जंग के बीच में उत्तर कोरिया में मिलिट्री परेड, हजारों उत्तर कोरियाई सैनिकों की परेड करते तस्वीरें सामने आई। रूस के रक्षा मंत्रालय पर साइबर अटैक की खबर, रूस विरोधी हैकर ग्रुप ने डेटा लीक करने का दावा किया। रूस विरोधी हैकर ग्रुप एनोनिमस ने साइबर अटैक का किया दावा, हैकर ग्रुप के दावे को रूसी रक्षा मंत्रालय ने खारिज कर दिया। रूस के खिलाफ युद्ध में शहीद हुई यूक्रेन की महिला सैनिक, इलाज के दौरान यूक्रेन की पहली महिला सैनिक ने दम तोड़ दिया। फ्रांस में यूक्रेन रूस संकट को लेकर के सड़क पर भारी संख्या में उतरे लोग, रूस के हमले की निंदा की, लोगों ने रूस के विरोध में लगाए नारे। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में रूस के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, यूक्रेन के समर्थन में हजारों लोग एकजुट हुए। तुर्की में रूस के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, लोगों ने यूक्रेन पर रूस के हमले की आलोचना की। रूस यूक्रेन संकट के बीच में यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया पोलैंड, यूक्रेन को सौंपा गोला बारूद, पोलैंड ने दी सैन्य मदद। यूक्रेन पर रूस के हमलों के विरोध में यूरोपीय देश बुल्गारिया की कार्रवाई, हवाई क्षेत्र में रूसी विमानों के घुसने पर लगाया प्रतिबंध। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर रूस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, रूस की आक्रामकता के खिलाफ लोगों में गुस्सा। अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस में रूस के खिलाफ प्रदर्शन, यूक्रेन पर आक्रमण के खिलाफ लोगों में बड़ा आक्रोश। यूरोपीय देश जॉर्जिया में भी तेज हुआ रूस के खिलाफ प्रदर्शन, यूक्रेन के समर्थन में किया प्रदर्शन। यूक्रेन के राष्ट्रीय झंडे के रंग में रंगा पेरिस का एफिल टावर, यूक्रेन के राष्ट्रीय झंडे नीले और पीले रंग से सजाया गया इसे। यूक्रेन के समर्थन में तुर्की में भी रूस के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, विरोध प्रदर्शन में महिलाओं के रोते हुए वीडियो के वायरल। अर्जेंटीना में भी रूस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, यूक्रेन पर रूसी सैनिकों के हमले की निंदा। शिकागो में रूस के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग, यूक्रेन के सपोर्ट में रूस के खिलाफ की नारेबाजी। यूक्रेन पर रूसी हमलों से गुस्से में कनाडा, लीकर स्टोर से हटाई गई हैं रशियन लीकर्स, कई राज्यों में रशियन प्रोडक्ट किए जा रहे हैं बैन। रूस के घायल सैनिकों पर यूक्रेन ने दिखाई मानवता, रूस के घायल सैनिकों का इलाज कर रहे हैं यूक्रेनी डॉक्टर्स। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से यूक्रेनी बच्चों की अपील, हमारे देश को छोड़कर बाहर जाए रूसी सैनिक, यूक्रेन की बच्ची का वीडियो सामने आया। महिला बच्चों को देश छोड़ने की इजाजत मिली लेकिन पुरुषों को जंग के लिए रोक रहा है यूक्रेन। जंग के बीच में यूक्रेन से पलायन को मजबूर लोग, रोमानिया पहुंचे सैकड़ों शरणार्थी, ज्यादातर भीड़ में बच्चे और महिला शामिल हैं। अब तक 29,000 लोगों ने पोलैंड यूक्रेन सीमा पार कर लिया, अब भी लोगों का पलायन जारी है, सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गई। यूक्रेन में जंग के बीच में पड़ोसी देशों में पनाह तलाश रहे लोग, बॉर्डर पर किया जा रहा है शरणार्थियों के लिए खाने का इंतजाम। यूक्रेन में युद्ध के बाद हालात बेहद खराब, रोमानिया में रहने वाली महिला अपने घर यूक्रेन जाने के लिए पहुंची, परिवार के लिए युद्ध वाले इलाके दोनों जाने को तैयार।